गाइस आज हम बात करेंगे अल्कोहल और एनाबॉलिक्स के बीच का क्या कनेक्शन है, क्या आप एनाबॉलिक्स के ऊपर अल्कोहल यूज कर सकते हैं या नहीं। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, बने रहिए। सो गाइस, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहली चीज हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि अल्कोहल है क्या और काम कैसे करती है। सो गाइस, अल्कोहल है सेंट्रल नर्वस सिस्टम सप्रेसर, यानी अगर आप इसका यूज करेंगे तो आपके CNS को सप्रेस कर देगी। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं जो सिग्नल के लिए हमारी बॉडी को यूज करते हैं। तो अल्कोहल क्या करता है, अल्कोहल सप्रेस कर देता है CNS को। इसकी वजह से होता है कि आपकी थोड़ी एंजाइटी कम हो जाती है, आप थोड़ा सा हाई फील करते हैं और आपको थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है, क्योंकि आपके दिमाग के सोचने समझने की क्षमता को ये थोड़ा सा कम कर देती है। सो गाइस, इसको और डिटेल में समझने के लिए हमें समझने होगी इसके पीछे की साइंस कि कैसे अल्कोहल काम करती है, तभी हम समझ पाएंगे कि एनाबॉलिक्स और अल्कोहल कैसे जुड़े हुए हैं आपस में। सो गाइस, अल्कोहल की साइंस कुछ इस प्रकार है। सो गाइस, अल्कोहल का जो केमिकल नेम है उसको हम बोलते हैं इथेनॉल। इथेनॉल ये वो केमिकल कंपाउंड है जो मैक्सिमम अल्कोहल्स के अंदर पाया जाता है, यानी कि बियर, विस्की, वोडका, जो भी अल्कोहल मार्केट में मिलते हैं उनके अंदर इथेनॉल ही यूज होता है उसको अल्कोहलिक बनाने के लिए। तो ये वो मेन कंपाउंड है जो अल्कोहल के अंदर यूज किया जा रहा है। और अगर हम इसको और डीप में समझें तो अल्कोहल जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे शरीर के दो हिस्सों पर वो मेजरली काम करती है। पहला है लिवर जो उसको प्रोसेस करता है, और दूसरा है आपका ब्रेन जो उस प्रोसेस हुई अल्कोहल के ऊपर रिएक्ट करता है। तो एनाबॉलिक्स का डायरेक्ट कनेक्शन जानने के लिए हमें इन दोनों चीजों को डिटेल में समझना होगा। सो गाइस, जब भी आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो हमारा जो लिवर है वो एक प्रोसेस से होकर गुजरता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजेनेसिस। हाइड्रोजेनेसिस नाम के एक प्रोसेस से होकर गुजरता है और इससे जो है अल्कोहल है उसको प्रोसेस करता है, हमारी बॉडी में पहुंचाता है। और जब ये वो प्रोसेस कर रहा होता है तो वो यूज करता है NAD, NAD। तो बेसिकली NAD क्या है, NAD की ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, इसको आप ऊपरी तौर पे समझें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये लिवर के अंदर एक फैक्ट्री है जो फैट को मेटाबोलाइज करती है। फैट मेटाबोलाइजेशन के लिए इसका यूज किया जाता है बहुत ही। तो अब अल्कोहल क्या करती है, वो कम्पीट करती है हमारे लिवर के अंदर जो फैट है उसके साथ, यूज करती है NAD को उस फैट के साथ कम्पीट करने के लिए और प्रोसेस होने के लिए, यानी आगे जाने के लिए। तो इसकी वजह से ये जो प्रोसेस है लिवर को बहुत ज्यादा टॉक्सिक बना देता है, और वो जो अल्कोहल है वो इस हाइड्रोजेनेसिस के प्रोसेस से होती हुई हमारे बॉडी में एंटर कर जाती है। जब वो एंटर करती है हमारी बॉडी में तो वो यूज करती है न्यूरोट्रांसमीटर। अब इसको जरा हमें थोड़ा साधारण भाषा में समझना जरूरी है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, हमारे ब्रेन तक किसी सिग्नल को पहुंचाने और लाने का काम ये करते हैं। यानी कि अगर आपको एक हाथ को ऊपर उठाना है तो एक न्यूरोट्रांसमीटर का सिग्नल जनरेट होता है जो हमारे ब्रेन तक इस सिग्नल को पहुंचा के वापस लाता है, जिसके जरिए हम वो मसल फाइबर्स हैं उनको मूव कर पाते हैं। तो ये सारा काम न्यूरोट्रांसमीटर करते हैं। तो बॉडी न्यूरोट्रांसमीटर को बहुत सारी जगहों पे यूज करती है, और ब्रेन तक किसी भी चीज को पहुंचाने के लिए इनका एक बड़ा और मेजर रोल प्ले किया जाता है। तो अल्कोहल को ब्रेन तक जाने के लिए एक न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं गाबा। इसके ऊपर हमने बात करी थी अश्वगंधा वाले वीडियो में, क्योंकि वो भी एक एंजाइटी और जो है आपका स्ट्रेस सप्रेशर है। सिमिलरली अल्कोहल भी कुछ उसी तरह से काम करती है, तो वो भी इसी सेम न्यूरोट्रांसमीटर का यूज करके हमारे दिमाग के अंदर घुसती है, और मैक्सिमम जो कंट्रोल होता है वो गाबा का होता है वहां पे। ये एक इनहिबिटर होता है हमारे ब्रेन का। तो जब वो इस तक पहुंचती है इसकी मदद से जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको वो स्लो कर देती है, उसके प्रोसेस को धीरा कर देती है। और उससे होता क्या है कि आपकी स्ट्रेस एंजाइटी कम हो जाती है, आपने सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, इवन जो आपके सतर्क रहने की क्षमता है वो भी सप्रेस हो जाती है इसके ऊपर। तो यहां तक तो आप समझ गए होंगे कि अल्कोहल की प्रोसेसिंग की क्या टेक्निक है। बाकी एक हम डिटेल वीडियो करेंगे जिसमें हम सिर्फ अल्कोहल पे बात करेंगे, अभी हम एनाबॉलिक्स और अल्कोहल दोनों पे बात कर रहे हैं इसलिए हम उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे। अभी हम बात शुरू करते हैं एनाबॉलिक्स के ऊपर। तो यहाँ पे गाइस मैं उन सारी चीजों को कवर कर रहा हूँ, एनाबॉलिक्स, आपके पेप्टाइड्स और कुछ केसेस में साम्स भी, और ओरल एनाबॉलिक्स को भी यहाँ पे मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। इन सभी से आपके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है अगर आप इसके ऊपर जो है अल्कोहल यूज करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्कोहल है आपका एंजाइटी सप्रेसर, यानी कि आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करता है, वहीं पे जो एनाबॉलिक्स आप यूज करते हैं ये आपकी बॉडी में एंजाइटी को बढ़ाते हैं। जब भी आप इनको यूज करेंगे आपकी एंजाइटी बढ़ जाएगी। अब होगा क्या कि जब भी आप अल्कोहल कंज्यूम करेंगे तो वो अल्कोहल उस एंजाइटी को सप्रेस करने की कोशिश करेगी, जो कि कुछ समय के लिए सप्रेस भी हो जाती है, मगर क्योंकि हमारी बॉडी का मैकेनिज्म ही फाइट करने वाला है। तो जब आप अल्कोहल के नशे से बाहर निकलते हैं, यानी कि आपने जो उससे
अपने आप को हाई किया था, आप उससे बाहर आते हैं तो आपकी एंजाइटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है अल्कोहल के नशे के उतरने के बाद, अगर आप एनाबॉलिक्स यूज़ कर रहे हैं तो। ये तो हुआ इस पर ब्रेन पे कुछ इफेक्ट, इसका साथ में कुछ इफेक्ट पड़ता है आपके लिवर पे भी, क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं लिवर के ऊपर बहुत टॉक्सिक होते हैं ये एनाबॉलिक्स। तो लिवर के ऊपर फ्लोर को समझने के लिए आपको पहले एक स्टेटमेंट को समझना है। आपने अक्सर सुना होगा कि एनाबॉलिक्स यूज़र, जो लोग एनाबॉलिक्स यूज़र हैं वो प्लीज़ कन्फर्म करें इस वीडियो के अंदर आके, कि जब भी वो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनको नशा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उनको नशा? क्योंकि उनकी बॉडी, उनका जो लिवर है उसके ऊपर पहले से ही इतना लोड है, और आप उस लोड को डबल कर रहे हो तो उसकी डबल फाइट चलती है, जिससे आपको जो अल्कोहल प्रोसेसिंग है उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है बॉडी को। उस दौरान क्या होता है, उसको करीबन कुछ समय तक नशा चढ़ ही नहीं रहा होता है, और उस समय वो खूब पीता है और बोलता है कि मुझे नशे नहीं हो रहे हैं। कुछ समय के बाद जब अल्कोहल प्रोसेस होना शुरू होती है तो उसको काफ़ी ज़्यादा नशे हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एनाबॉलिक्स के ऊपर अल्कोहल कंज्यूम कर लेंगे तो आपके लिवर का लोड जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो पहले से ही बहुत सारा चीज़ों को प्रोसेस करने में लगा हुआ था, अब आपने यूज़ कर लिया है अल्कोहल और, तो उसके ऊपर और लोड बढ़ गया। अब यहाँ पर अगर बात करी जाए पेप्टाइड्स की, तो पेप्टाइड भी कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, यानी कि आपके ब्रेन तक जाने के लिए वो कोशिश करते हैं, कई रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे इश्यूज फेस होंगे अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर लेंगे। अजीबोगरीब सिग्नल जनरेट होंगे बॉडी के अंदर। तो जनरली क्या होता है कि इस तरह के साइड इफेक्ट लोगों के सामने तुरंत नहीं आते हैं, मगर कोई इंसान जो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक में डूबा हुआ है, यानी कि उसको नशे की बहुत ज़्यादा आदत पड़ी हुई है, उन लोगों को एनाबॉलिक्स से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, क्योंकि एनाबॉलिक्स जो है एक्सटेंसिवली आपकी बॉडी पे एक लोड बनाकर रखते हैं। वहीं पे अल्कोहल जैसी चीज़ अगर बॉडी में जाती है तो वो लोड मल्टीप्लाई होता है। हाँ, कुछ समय के लिए आपके स्ट्रेस और एंजाइटी ज़रूर कम हो सकती है, मगर उसके बाद वो एंजाइटी भी डबल हो जाएगी। तो बेहतर होगा कि आप जो है इस तरह के चीज़ों का इस्तेमाल ना करें ऑन एनाबॉलिक्स। तो आई होप गाइस आप समझ चुके होंगे कि एनाबॉलिक्स और अल्कोहल का आपस में क्या कनेक्शन है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को। आप जब तक वीडियो को शेयर नहीं करेंगे ये चैनल ग्रो नहीं करेगा। आपको वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है, आपका सपोर्ट ही हाउस ऑफ एनाबॉलिक्स को ग्रो कर सकता है। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें नीचे अगर आपको कैसा लगा वीडियो। अच्छा नहीं लगा तो बताएं क्यों अच्छा नहीं लगा, हर चीज़ आप आके बताएं और लाइक ज़रूर करें। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए गाइस, और एंजॉय करिए अपने फिटनेस जर्नी विद टीम हाउस ऑफ एनाबॉलिक्स। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग।